का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसे भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं जो हमें जो नज़र आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है, हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहें रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू की उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी उनको अरेस्ट कर लिया, आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुँचे, क्यों पहुँचे? हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहाँ मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए, हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाज़ा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, अजय लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, MSP खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इस पर मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, CACP एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है, वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो धान हो और चीज़ें हो उनके ऊपर वो MSP का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में MSP से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पर कमेटी बनाए, हमने बोला इस पर तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है, तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी भला मानजोग प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था MSP गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है, और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2+50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर, सरकार का पक्ष भी सुना, जो PL डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि MSP से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया, 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया तब कर लेते, तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था जिससे हम निराश हुए हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है, किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई, ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है, भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग चसी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है, इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से, सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ, हमारी ओर से उधर
फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से हम देश के किसान मजदूर हैं, किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 200 गलतियां की, वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है इस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी। और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहुंना कि देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं हैगा, अपने बंदे जरूर मीडिया ना जरा सहयोग करन, जिहड़ी उहदे विच साडे बंदे मीडिया ना टकरा वाली गल च ना आउण। साडी जिहड़ी बेनती है, साडे नौजवान, साडे किसान मजदूर किते भी पड़काहट च ना आउण। गुरु साहब की सारी उम्र उन्होंने बड़ा बड़ा उपदेश दिता, जंगा लड़िया, किते भी हौसला नहीं खोया, किते भी पड़काहट च नहीं आए, अखीर तक गलबात हुंदी रही, अखीर तक असी गल सुनते रहे, असी टकराव वाले पासे नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, साडा मुहिम है, साडा फैसला वा कि असी साडी सरकार ने गल नहीं सुनी हैगी, असी हुण अगे वधना हैगा। तो इस करके फिर सारे मीडिया नूं, पंजाब दा मीडिया विशेष करके, हरियाणे दा मीडिया, ये पूरा सहयोगी है सारा मीडिया, दूसरा भी हैगा। देखो ये मौके दीयां गल्लां ने, की मौके दीयां परिस्थितियां बनदियां ने, किहो जे मौके दे फैसले लैने पैंदे ने, ये मौके ते पता लगू। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਥੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਤ, ਹਮਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਜਾ ਕਰ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ, ਦੋ ਦਫਾ ਹਮ ਚਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਤੱਕ, ਹਮਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
मीटिंग के अंदर जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हुई कि वो सब कमेटियों के लिए बात करते हैं, अलग अलग फॉरम के लिए बात करते हैं, कमेटियों को बड़ा करने की, विस्तार करने की बात करते हैं, फिर करते हैं कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120 बी का अपराधी है उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पर बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पर उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो हमने, सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक के आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है। तो दूसरी बात, जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि दो साल के अंदर एक भी एमएसपी की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं है। और हमने कल स्पष्ट कर दिया था कि जब अमृतसर से काफिला चला था कि हमने दिखाया कि कितने डिसिप्लिन के साथ किसान चल रहे हैं, बिल्कुल रोड नहीं रोका गया था, एक लाइन के अंदर किसान थे, लगभग 600 से ऊपर ट्रैलियाँ थी, आज 1000 ट्रैली यहाँ पर फतेहगढ़ साहब के अंदर खड़ी है, बिल्कुल लाइनबद्ध, और कहीं पे भी नहीं रोका जा रहा है। और लोगों को परेशानी हो रही है ये पिछले 3 दिन से, मैंने कल ही पढ़ा था कि बार चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने इसके लिए बोला है कि आप ये हम नहीं पहुँच सकेंगे कोर्ट, आप हमारा इसमें सहयोग करें, और उसके लिए हाँ पीआई डाली गई है। हाँ, इस बार जेड़े किसान आंदोलन होने जा रहा है, ये पिछली बार जितना किसान थे वो एकजुट थे, इस बार कितने ना कितने टकराव भी लग रहा, कितने ना कितने विवाद भी हो रहे ने, कितने ना कितने चुप्पी भी काफी नजर आ रही है। तुसी देखो, तुसी विवाद दा नाम दसो, कोई विवाद नहीं है, कोई टकराव नहीं है, ठीक है ना। देखो, पिछली बार जो है इन्होंने एक पत्र दे दिया था हमें, 6 महीने बाद पता लगा, और अब हम लोगों को कहीं भी लूप में नहीं लिया गया, हम लोगों से कोई बात नहीं की। देख सकते, मैं भी ऐड कर दिंदा कि ग्राम सिंह चरूनी ने कहा कि 14 मीटिंगों के विच एमएसपी की गल कितने नहीं की गई, जो दिल्ली के विच हुई है, उन्होंने कहा कि जो अमित शाह के नाल मीटिंग हुई और मैं क्या एमएसपी बारे, पर अमित शाह उदो ही मुकर गए भी एमएसपी नहीं दे सकते। मैं सुन लो मेरी बेनती सुन लो, इन सवाल ओ भाई सुन लो, सिर्फ ये 3 खेती कानूनों वास्ते आए हैं। देखो एक मिनट, एक वीडियो मीटिंग दे विच्चों निकल के बाहर आउंदी आ, जिहदे च खेतीबाड़ी मंत्री कहिंदे आ वी जे असी सारी फसल खरीदीए ते 17 लाख करोड़ रुपये दा सानू बजट चाहीदा, जे मीटिंग च गल नहीं होई ते इह निकल के किवें आ गई, पूरी दुनिया दे मीडिया च कही होगी। एक बस एक एक चीज ओ खलो, दूजी गल वी देखो, सवाल इह नहीं हैगा किसी व्यक्तिगत किसी दा नां लईए, सवाल तुसी इशू ते आओ, इशू ये हैगा भी की इस किसान अंदोलन दे विच्चों को पार्टी कढ़नी है कि नहीं कढ़नी, किसी ने को मिशन चलाउना वा के नहीं चलाउना। जो साढ़े किसान मजदूर मोर्चे ने एस के एम गैर राजनीतिक ने जो एक जापता बनाया हैगा अंदोलन दे विच, जड़ा वो जापता मनदा उन्हूं खुला सद्दा हैगा तुहाडे थ्रू हैगा। दूसरा सवाल यह हैगा भी किसी नूं लग सकदा भी एडा वड्डा अंदोलन दिल्ली का नहीं बनना, अज बन गया, हुण धक्के ना किवें लै जाईए, पोजिशन आउंदी इहनूं आपां कहिंदे समझ तो पोजिशन, किसी की पोजिशन दिल्ली जाण दी है ही नहीं, वह चंडीगढ़ जाना चाहुंदा, उहनूं धक्के ना किवें लै जाईए। सवाल साडा कोई निजी नहीं है, सवाल जनतक रूप विच ने, किसी नूं लगदा अंदोलन बन नहीं सकता उहदी निजी ठीक है अपना कर ले, किसी नूं लगदा भी ये असी किसान अंदोलन करके नहीं सफल हो सकते, सरकार बनाउणगे, पर साडा ते फैसला सी सरकार वाले पासे नहीं जावांगे। इशूआं दे सवाल है, व्यक्तिगत किसे ना कोई रौला नहीं हैगा, ना होना वा, ठीक है। जिहड़ी असी लड़ाई लड़न जा रहे हैं, ये की सरवण पंधेर दी जां होर जथेबंदियां दी निजी लड़ाई है साडी, ये देश दी आ। हुण जिहड़े देश दे किसान मजदूर नूं मंगां लै के देना चाहुंदे, अज नूं खुल्ला सद्दा वा, दिल्ली दीआं सड़कां खुल्लियां वा, करोड़ां लोक समाए जाणे आ, किन्ने रोकिया किसे नूं, देखिए अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा, मौके की परिस्थितियां किस तरह की होगी, क्या निर्णय लेने पड़ेंगे ये मौका बताएं। साहब ये बताइए आप, गुरनाम और बातचीत की जा रही है, कोई बातचीत करने होता आया क्या? देखिए बातचीत हो रही है, बातचीत के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो रहनी है, रास्ता खुला हुआ। हाँ, बातचीत से सरकार निकालना कुछ नहीं चाहती, हाँ आंदोलन को टालना चाहती है। पंदेर साहब ये मान के चले, इस बार पंदेर साहब ये मान के चले कि गुरनाम चढ़ूनी राकेश टिकैत इस आंदोलन में नहीं दिखेंगे? सभी दिखेंगे, देख लीजिए आप, आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए,
ठीक है, ये देश के हित में होगा, किसान मजदूर के हित में। देखिए तो आप इनवाइट करते हैं, मैं ना सभी आएंगे, सभी को इनवाइट किया हुआ, किसी को एनी भी नहीं किया हुआ। पंडित साहब पिछली बार पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं ली गई थी, किसी पॉलिटिकल लीडर नो अलाउड नहीं किया गया थी, इस बार अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल सपोर्ट देती है या फिर थोड़े आंदोलन चलाना चाहती है तो वो आ सकती है नहीं आ सकती की सिनेरियो रहेगा? सपोर्ट कोई जड़ा मर्जी करे उदा की रौला, असी आप दी स्टेज ते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नु बोलन नहीं देंगे। सपोर्टरों बारे साडी अड पहुंच होगी, कोई बाहर आके थले जो मर्जी करता रहे उदे की रौला हैगा? ठीक है, अपनी पोजीशन वेखे जे लोग विरोध करते हैं, साड़ी स्टेज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी। ठीक है, हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे, आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए, जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़िए, हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं। देखो सिर्फ नजरिया ऐसी भी अंदोलन किवें टल जावे, होर ओहदे विच कुछ भी नहीं सी, असीं बैठे रहे पूरा मत्था मारिया, सानूं पता लग गया घंटे च भी देना कक्ख नहीं, असीं चार घंटे होर बैठे रहे भी सरकार ये ना कहे भी किसान अग उठ के चले गए, देश के लोग ये ना कहें कि किसान लीडर बातचीत से मसले का हल नहीं करना चाहते। हमने पूरी उनसे कोशिश की भी कोई ना कोई मसले का हल हो जाए, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप कह रहे हैं कि सबको वो सब शंभू बॉर्डर पे पहुंचेंगे, आप कह रहे हैं शंभू बॉर्डर हरियाणा अंबाला की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी सील किया हुआ है, जिस तरह क्या उसको अंबाला की साइड से वापस शंभू, देखिए 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 देन